हेलो हाय कैसे गाइस, दिस इज रोशन विचारे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, ये है वैलेंटाइन्स वीक में हम क्या क्या गिफ्ट दे सकते हैं, इस वीडियो का पार्ट टू। पार्ट वन में हमने वैलेंटाइन्स वीक के पहले चार दिनों को कवर किया और हमने देखा कि उन चार दिनों में हम क्या क्या गिफ्ट अपने पार्टनर को दे सकते हैं। तो और अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं होगा तो उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगा। तो वो था इस वीडियो का पार्ट वन। और पार्ट टू में हम लोग आज देखने वाले हैं कि वैलेंटाइन्स डे के बचे हुए दिनों में हम क्या क्या गिफ्ट दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वैलेंटाइन्स वीक का फिफ्थ डे है प्रॉमिस डे। सो गाइस, प्रॉमिस डे इज मोस्ट सिंसियर डे ऑफ द होल वैलेंटाइन्स वीक, ऐसा मैं मानता हूँ। और इसीलिए इस दिन में जो हम गिफ्ट देने वाले हैं ना, उसका बजट भी बहुत ज्यादा होने वाला है। यस गाइस, मैंने आपके लिए बहुत ज्यादा महंगा इस दिन के लिए सोचा है, और वो है आपका टाइम। बिकॉज आई बिलीव कि हम हमारे पार्टनर को सबसे महंगा गिफ्ट ये दे सकते हैं, हमारा टाइम। क्योंकि अगर हम क्वालिटी टाइम अपने पार्टनर के साथ स्पेंड करते हैं, हम जिसमें एक साथ हंसते हैं, बहुत मजा करते हैं, हम बहुत बातें करते हैं, तो ये हमारे लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। सो गाइज, प्रॉमिस डे पे मैं कहूँगा कि आप एक कोई भी अच्छी सी डेट प्लान करें और अपने पार्टनर को वहाँ पे लेके जाइए। और गाइज बिलीव मी, ये आपका सबसे ब्यूटीफुल डे साबित होगा। तो मैं आपको एक प्रो टिप दूंगा। प्रो टिप तो नहीं कहूंगा इसे, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मतलब मैं क्या करता हूँ, जैसे अभी मैं टाइम की बात कर रहा था ना, मैं अपने पार्टनर के यहाँ पे अनअनाउंस जाता हूँ, सरप्राइज विजिट देता हूँ। और जो खुशी मैं उसकी आंखों में देखता हूँ ना, उसका कोई भी तोड़ नहीं है। सो आप ऐसे भी कुछ प्लान कर सकते हैं। मैं नॉर्मली ऐसे विजिट करता हूँ तो मैं मेरे साथ एक हैंडमेड ग्रीटिंग कार्ड और एक छोटा सा चॉकलेट लेके जाता हूँ। वैलेंटाइन्स वीक का सिक्स डे है हग डे। ऐसे नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है कि हमें स्पेशल अटेंशन, केयर और कंपैशन बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। मतलब हम हमारे पार्टनर से ये चीजें एक्सपेक्ट करते ही है। तो हग डे एक ऐसा डे है जहाँ पे आप एक्सप्रेस हो सकते हो। तो आपके लिए मैंने ये दो गिफ्ट सोचे हैं। कुछ पुरानी हिंदी फिल्मों में नहीं होता था कि हीरो हीरोइन किसी जगह पे अटके हुए हैं, अंधेरा है, रात का वक्त है और अचानक से बारिश शुरू हो जाती है और बिजली कड़कती है। जैसे ही बिजली कड़कती है, हीरो हीरोइन एक दूसरे को हग कर लेते हैं। ये काफी क्लासिकल सीक्वेंस है, बहुत सारे रोमांटिक हिंदी फिल्म्स में ये सीन आपने देखा ही होगा। तो मैंने सोचा इसी आइडिया का इस्तेमाल करके एक अच्छा सा गिफ्ट आपके लिए सोचते हैं। तो ये है ऑप्शन नंबर वन, द प्रिंक बॉम्ब। तो ये प्रिंक बॉम्ब है क्या? तो प्रिंक बॉम्ब बेसिकली एक बॉक्स होता है और उसके अंदर क्यूब होता है। तो आपको करना ये है कि आपको प्रिंक बॉम्ब, ये जो बॉक्स होता है, ये आपको खरीदना है। उसके अंदर आप अपने पार्टनर के फोटोज उस क्यूब पे पर्सनलाइज करा सकते हो। और जैसे ही आपका पार्टनर वो बॉक्स खोलता है, उसके अंदर से पॉपअप होके ये क्यूब बाहर आ जाता है और शायद आपका पार्टनर डर जाए। और जैसे ही आपका पार्टनर डर जाता है, पुराने हिंदी फिल्मों के हीरो की तरह आपको अपने पार्टनर को हग करना है। बट ऐसा हो सकता है ना कि आपका पार्टनर डरे नहीं, तो क्या हुआ, हमें तो भाई हग करना ही है, हद से हग करना है। तो ये प्रिंक बॉम्ब आपको मिल जाएगा 350 रुपीज में। और ऑप्शन नंबर टू है कपल हग मिनिएचर। इसमें दो काफी छोटे क्यूट क्यूट मेल और फीमेल के मिनिएचर से, और वो एक दूसरे को हग कर रहे हैं। ये काफी क्यूट है और आप अपने पार्टनर को इसे दे सकते हो। आप उसे फिर अपने कार के डैशबोर्ड पे रख सकते हो, अपने कबर्ड में रख सकते हो, अपने ऑफिस टेबल पे या फिर अपने क्यूबिकल में भी उसे रख सकते हो। वेलनेस वीक का सेवेंथ डे है किस डे। आई थिंक सबसे अच्छी किस होती है फोरहेड किस। कुछ ज्यादा ही आइडियलिस्टिक बात कर दी मैंने, ठीक है ठीक है। तो ये रहे गिफ्ट के ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर वन, तो गाइस हमें करना ये है कि किसी भी रिलेशनशिप में एफर्ट्स बहुत ज्यादा काउंट होते हैं। मतलब हम हमारे पार्टनर से कितनी मीठी मीठी बातें करते हैं, इससे अच्छा है कि हम हमारे एक्शन से वो कितना प्रूव करते हैं। लाइक एज दे से, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। तो गाइस मैं ये आपको कहूंगा कि आप हैंडमेड ग्रीटिंग कार्ड बनाएं। मतलब बिलीव मी, ये हमेशा कारीगर रहता है। मतलब आप क्राफ्ट जानते हो तो वेल एंड गुड, अगर आप क्राफ्ट ना भी जानते हो ना, फिर भी गिव योर बेस्ट ट्राई। आई एम श्योर कि आपके पार्टनर को वो हैंडमेड ग्रीटिंग कार्ड बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है या फिर आप अपने क्राफ्ट को लेके उतना कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो आपके लिए है ये गिफ्ट ऑप्शन नंबर टू। तो
गाइज बहुत सारे वेबसाइट पे पर्सनलाइज गिफ्ट मिलते हैं, जैसे पर्सनलाइज पेयर ऑफ कप, फिर आजकल ट्विनिंग का जमाना है तो फिर आप पर्सनलाइज हुडीज, पर्सनलाइज टी शर्ट्स ऑर्डर करा सकते हो, आप उसमें ट्विनिंग कर सकते हो। और उसके बाद प्रिंटेड कुशन आते हैं, आप पर्सनलाइज गिफ्ट में मैसेज के स्क्रोल भी दे सकते हो जिसपे आप पर्सनलाइज मैसेज लिख सकते हो और जो ऐसे खुलता है नहीं और वो काफी अच्छा दिखता है। तो ये सब गिफ्ट आपको 500 रुपीज के बजट के अंदर ही मिल जाएंगे। और ऑप्शन 3 है ग्लोइंग कीज डे स्पेशल हॉलो कैंडल, जो आपको 400 रुपीज के अप्रोक्सीमेटली बजट में मिल जाएगी। काफी ब्यूटीफुल है, काफी सूदनिंग है और आई एम श्योर आपके पार्टनर को ये बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। तो ये थे कीज डे के ऑप्शन। तो चलिए चलते हैं द बिग डे, वैलेंटाइंस डे पे। तो गाइज आप सब सोचते ही होंगे कि वैलेंटाइंस डे पे अब अलग से गिफ्ट क्या दिया जाए। तो मेरी राय मानिए और थोड़ा सा सोचिए, मतलब कभी ना कभी हमारा पार्टनर कॉन्वर्सेशन में एक दो चीजें बोली जाता है कि यार मुझे ये चाहिए, या फिर अगर मेरे पास ये चीज होती तो और मजा आ जाता, या फिर मैं ये सोच रही हूँ, या फिर मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं इस चीज को लूँ। तो गाइज ऐसी कुछ चीजें अगर आपको याद होना तो प्लीज उसे नोट डाउन करिए और वो चीज इस वैलेंटाइंस डे पे आपके पार्टनर को दे, क्योंकि जो चीज हमें चाहिए वो अगर हमारा पार्टनर हमें गिफ्ट करता है ना तो हम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो गाइज ये था वैलेंटाइंस डे पे आप क्या क्या बजटेड सुपरलेटिव बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट ऑप्शन आपके पार्टनर को दे सकते हैं। तो गाइज आप लोग सोचते होंगे कि यार अभी ऑप्शन तो रोशन ने दे दिए तो अब ये वीडियो खत्म होगा, पर ऐसा नहीं है, मैं आपका बेस्ट फ्रेंड बनना चाहता हूँ। और यस गाइस, इसीलिए मैं सिर्फ आपको अच्छे अच्छे ऑप्शंस देके ये वीडियो खत्म नहीं करूंगा। तो मैं आपके लिए एक लेके आया हूं ऐसी चीज जो आपके रिलेशनशिप को और भी ज्यादा स्ट्रांग करेगी और भी ज्यादा रोबस्ट करेगी। तो ये चीज क्या है? तो बेसिकली ये एक स्टडी है जो मैंने हाल ही में पढ़ी थी, ईयर 2013 से लेके ईयर 2016 तक रॉबर्ट एप्स्टीन, जो एक रिलेशनशिप और डेटिंग एक्सपर्ट है, उन्होंने ये स्टडी की थी। और उस स्टडी में अप्रोक्सीमेटली 25,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ पैसिफिक फिजी में ये पूरी स्टडी कंडक्ट हुई थी। और उस स्टडी से 7 बेसिक स्किल्स जो किसी भी रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाते हैं वो रूल्स इस स्टडी में दिए गए थे, वो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। रूल नंबर 1 है कम्युनिकेशन। सो गाइस आप सभी ने ये कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा कि फॉर अ हेल्दी रिलेशनशिप कम्युनिकेशन इज अ की, बिकॉज अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो तो आप हर एक चीज आपके पार्टनर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। सेकेंड है रिजोल्विंग अ कॉन्फ्लिक्ट। देखिए गाइस की रिलेशनशिप ना स्मूथ नहीं होती, मतलब कभी ना कभी एक ऐसा वक्त रिलेशनशिप में आता ही है कि जहां पे कॉन्फ्लिक्ट हो, वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ थॉट हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ एक्शन हो सकते हैं। तो वहां पे वो कॉन्फ्लिक्ट हम कैसे सॉल्व करते हैं, उस पे हमारी रिलेशनशिप आगे कैसे बढ़ेगी, वो बहुत ज्यादा निर्भर होती है। तो इसके लिए करना क्या है कि इसके लिए सबसे पहले तो हमें अकाउंटेबिलिटी लेनी है, मतलब अगर हमारी गलती हुई है तो डिफेंसिव मोड में ना जाते हुए हमें हमारी गलती एक्सेप्ट करनी चाहिए। सेम गोज विद आवर पार्टनर, अगर उनकी गलती हुई है तो उन्हें भी वो एक्सेप्ट करनी चाहिए। सेकेंड हमें एम्पैथेटिक व्यू पॉइंट रखना है टुवर्ड्स हमारे पार्टनर के लिए कि उनकी जो डिमांड्स है या फिर उनके जो कुछ एक्शंस है वो हमारे रिलेशनशिप को कितना हैम्पर कर रहे हैं या फिर उन्हें क्या लग रहा है, तो एम्पैथेटिकली उस चीज को हमें देखना चाहिए। और थर्ड पॉइंट है नॉलेज ऑफ आवर पार्टनर। जैसे हमें हमारे पार्टनर के बर्थडे स्पेशल डेज हमें याद होते ही है, मतलब बर्थडे को कभी मत भूलना गाइस, ये काफी लीथल होता है। तो मैं ये मानता हूं कि आपको स्पेशल डेज बर्थडे आपके पार्टनर की याद ही रहेंगे, उसके अलावा नॉलेज ऑफ आवर पार्टनर में ये आता है कि उनका प्यार करने का तरीका कैसा है, उनकी थॉट प्रोसेस कैसी है, उनके लाइक्स डिसलाइक कैसे है। आई बिलीव कि सबकी एक लव लैंग्वेज होती है, हमारी लव लैंग्वेज हमारे पार्टनर से अलग हो सकती है, बट एक रिलेशनशिप को अगर हमें आगे लेके जाना है तो हमें हमारे पार्टनर की लव लैंग्वेज सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पॉइंट इस स्टडी में था लाइफ स्किल्स, मतलब हर एक रिलेशनशिप में हम इवॉल्व होते हैं, हम मच्योर्ड होते हैं, हम उस रिलेशनशिप से कुछ ना कुछ चीजें सीखते हैं, मतलब हमारे चॉइसेस, हमारे लाइक्स डिसलाइक्स उस रिलेशनशिप में आने के बाद चेंज होते रहते हैं, और हमें उसके लिए फ्लेक्सिबल होना और वो लाइफ स्किल्स सीखना
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस स्टडी में जो फिफ्थ पॉइंट था वो था सेल्फ मैनेजमेंट। तो इसमें लिखा था कि स्टार्ट टू लव योरसेल्फ फर्स्ट, मतलब खुद से सबसे पहले प्यार कीजिए। अगर आप खुद से प्यार करते हो तो वही प्यार आप अपने पार्टनर से भी कर सकते हो, उसका प्यार आप ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर सकते हो। और इसी पॉइंट में एक सब पॉइंट है कि स्टे ट्रू टू योर पार्टनर, स्टे ट्रू टू योरसेल्फ, बी हम्बल, बी पोलाइट, बी फ्लेक्सिबल, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बी लॉयल। सिक्स पॉइंट है रोमांस एंड इंटीमेसी। ऐसा नहीं कि आपको ओवर द टॉप होके रोमांटिक बनना है, बट यस, आप अपने पार्टनर से कितना प्यार करते हैं उसे एक्सप्रेस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस स्टडी का जो लास्ट पॉइंट है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। यस गाइस, हम हमेशा देखते हैं कि स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से रिलेशनशिप में भी स्ट्रेस मैनेजमेंट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाते हो, या फिर आप अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड नहीं कर पाते हो, तो ये डायरेक्टली आपके रिलेशनशिप को हैम्पर करती है। आपके कुछ ट्रिगर्स होते हैं, उन ट्रिगर्स के वजह से भी आपका गुस्सा अपने पार्टनर पे निकल सकता है, या फिर आप इरिटेट हो सकते हो। तो सबसे पहले आपको अपने ये ट्रिगर्स जानना, आपको खुद का स्ट्रेस मैनेज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आपको करना ये है कि आपके पार्टनर के साथ, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा, क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, उसके फैमिली के साथ आपको इन्वॉल्व होना चाहिए, छोटी छोटी डेट्स प्लान करनी चाहिए, और किसी भी वक्त का इंतजार ना करते हुए अगर आपको लगता है कि इफ यू लव देम प्लीज एक्सप्रेस योर लव, आपके एक्शन में वो चीजें लाइए, और आई थिंक आपके रिलेशनशिप को यही सब चीजें बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बनाएगी। हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू ऑल ऑफ यू। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, और मेरा ये वीडियो आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ, आपके पार्टनर के साथ जरूर शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं कि आज जो गिफ्ट्स ऑप्शन मैंने आपके लिए लाए थे वो सच में क्या आपके लिए यूजफुल थे, आपके पार्टनर को वो गिफ्ट्स ऑप्शन कितने अच्छे लगे, या फिर अगर आपके पास कुछ और गिफ्ट्स ऑप्शन हो तो उन्हें भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझ पे और मेरे चैनल पे इसी तरह से प्यार करते रहिए। दिस इज रोशन विचारे, साइनिंग ऑफ।